खबरें अभी तक संवाददाता ने बीजेपी के मैनिफेस्टो पर हरियाणा बीजेपी के चुनाव प्रभारी नरेंद्र सिंह तोमर से खास बातचीत की, जिसमें नरेंद्र सिंह तोमर ने जीत का दावा करते हुए कहा कि अब की बार प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा। हमारे साथ मौजूद है हरियाणा के प्रभारी नरेंद्र तोमर सर। भाजपा का संकल्प पत्र, ये हरियाणा के विकास का विजन है और इस विजन को जनता के सामने आज भाजपा ने रखा है। इस विजन को हरियाणा की जनता पसंद करेगी, भाजपा की सरकार बनेगी और हम इस विजन के अनुसार आने वाले कल में हरियाणा की तस्वीर को बदलेंगे। तोमर सर, देखें, अगर कांग्रेस और इनेलो के घोषणा पत्र में काफी फ्री की चीजें दी जा रही है। इनेलो का घोषणा पत्र सिर्फ इनेलो के ऑफिस में रहेगा, वो क्रियान्वयन नहीं होगा। वो जानते हैं कि उनकी सरकार बनने वाली नहीं है, इसलिए वो झूठ बोल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो बिल्कुल, ये थे हमारे सर नरेंद्र तोमर, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि जो बाकी पार्टियों के घोषणा पत्र है वो केवल कार्यालय तक ही रहेंगे, लेकिन बीजेपी का जो घोषणा पत्र है वो कहीं ना कहीं जो है सफल होता नजर आएगा।